और मेरे मुंह में हो गए हैं। 46 वजह से मैंने फिर वीडियो भी शूट नहीं की और फिलहाल अब सोचा कर लेते। मम्मी धो रही है इधर बर्तन और बर्तन यहाँ खड़ी हुई है गाइस, और पापा बाहर बाबू को खिलाने के लिए घुमा रहे हैं उसको, जिस वजह से फिर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था छालों में। और ये अक्सर ही हो जाते हैं, हमेशा ही हो जाते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। और इसका कोई अगर आपके पास इलाज हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैंने तो जितना सब लोगों ने बताया और सब ट्राई मार लिया, डॉक्टर ने भी जितनी दवाई देता है जितने टाइम तक देता है उतना ही टाइम तक ख़त्म रहते हैं, फिर हो जाते हैं। और सब ने किसी ने का फिट करी लगा हुई है, जो भी है सभी कुछ ट्राई कर लिया एक तरीके से, कुछ भी नहीं हो रहा है। और हर दूसरे तीसरे दिन फिर आ जाते हैं। और ऐसा तो अक्सर होता है जब मैं वीडियो शूट करने लगती हूँ तो मेरे को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हो जाती है। अभी लास्ट टाइम मेरे को फीवर आ गया था, कल जाने परसों ही ठीक हुआ है और आज छाले हो गए और अब पता नहीं क्या क्या होगा जब मैं वीडियो शूट। और अब तक मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। और आज दूसरा दिन हो चुका है और आज बन रही है खिचड़ी, ज़्यादा कुछ बन नहीं रहा है तो आज फिर मैंने सोचा लाइए चटनी पीस लेते हैं। और चटनी में हम लोगों को यही वाली चटनी पसंद है, पुदीने वाली नहीं पसंद, क्योंकि मतलब जब से हमारी ये शॉप खुली थी समोसे पकौड़ी वाली, तब से मोमोज़ वाली चटनी सब लोग इतना पसंद करने लगे थे कि कोई और चटनी खाते ही नहीं। और उसमें मतलब और भी चीज़ें पड़ती हैं जो कि मुझे नहीं पता, उसकी तो रेसिपी भी मुझे नहीं पता है, और मुझे ये वाली ही अच्छी लगती है, चटपटी चटपटी, और तीन ही चार चीज़ें पड़ती हैं आराम से पिस जाती है। और मिक्सी की तो ये भी नहीं पसंद, सिलबट्टे की ही पसंद है, तो मैं हमेशा सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। और दूसरी बात, अभी लाइट भी नहीं आ रही है तो मिक्सी भी नहीं चल रही है, ज़्यादातर तो हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर फूका ही रहता है, कभी लाइट आती ही नहीं है ढंग से। और इसमें तीन ही चार चीज़ें डालती हूँ, अगर मैं अपनी रेसिपी बताऊँ तो तीन ही चार चीज़ें डालती हूँ, जैसे कि टमाटर, लहसुन, मिर्च और बस, हाँ टमाटर लहसुन मिर्च और नमक, मतलब जो जो कॉमनली चीज़ होती है वही सब डालती हूँ। बाकी कुछ लोगों की मोमोज़ वाली चटनी भी बनाने की अलग रेसिपी होती है, जैसे कि वो कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं और बाद में उसको तेल लगा के मतलब वोट करते हैं। कभी कभी हाँ मैं भी तेल लगा के इसको मतलब फ्राई जैसा कर लेती हूँ तो इसमें और भी टेस्ट बढ़ जाता है, और भुने हुए टमाटर डालो तो भी। बाकी अगर कभी नहीं भी होता है तो ऐसे भी पीस लेती हूँ, मुझे ऐसी ही पसंद है। और मेरे यहाँ चटनी कम कम ना खाने की वजह ऐसी खाई जाती है, जैसे सब्जी के तौर पर देखिए कितने सारे टमाटर, और मैं बड़ा वाला कटोरा भर के पीसती हूँ और अब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल बचता ही नहीं है सेकंड बार को खाने के लिए। और मैं इतनी तीखी बनाती हूँ तो नहीं बचता, और थोड़ी अगर ठीक बनाई जैसे हमारे घर में सब्जी बनती है खाना बनता है तो ये कैसे ख़त्म हो जाएगी पता ही नहीं चलने का। और फिर मैंने बहुत बहुत जल्दी जल्दी पीसा क्योंकि भूख भी लग रही थी, थोड़ा सा लेट हो गए थे आज, फिर चटनी पीसी, खाना खाया। और ये पूरा ही व्लॉग मैंने ऐसे शूट किया है कि आगे से पीछे तक कई दिनों का है, तीन चार दिनों का है, क्योंकि मैंने लगातार वीडियो इसलिए शूट नहीं की, पहले मेरे मुंह में छाला थे, उसके बाद फिर मैं सब कुछ ठीक हो गई तो फिर अम्मा की डेथ हो गई, और क्या नाम है, कुछ बीच बीच में ऐसी परेशानी रही जैसे कि मेरा पैर भी पक गया था अम्मा के मरने से पहले, और कई मतलब परेशानी हुई कि फिर मैं व्लॉग नहीं शेयर कर पाई। तो तीन चार दिन का इकट्ठा करके फिर मैंने उसका वॉइस ओवर किया कहीं कहीं। और अब हमारी बन के चुकी है चटनी, रेडी, दही और इधर खिचड़ी, आज बनी खिचड़ी, इसीलिए तो चटनी या दही का इंतजाम किया गया है। और फिर किया हमने खाना खाने के बाद रेस्ट, वर्तिका ने, मैंने और पवन, पापा अपना दुकान पे सामान ले रहे थे, मम्मी बैठी हुई थी, मम्मी तो वैसे भी दिन में रेस्ट नहीं करती हैं, हम ही लोग लेट जाते हैं, और पर्स हो गया था तो मैंने सोचा लाइए हम लोग भी कर लेते हैं खाना। और नहाने के बाद तो लगता भी है कि मतलब लेट जाओ थोड़ी देर, मेरी तो आदत है, बाकी सब लोगों की अपनी अपनी आदत होती है, हम तीनों बहन भाई की आदत पड़ गई है खाना खाने के बाद तो ज़रूर ही लेटते हैं, और नहाने के बाद भी, बाहर की सोएँ या ना सोएँ वो तो पता नहीं, कभी कभी सो भी जाते हैं जब लेट तो नींद तो आ ही जाती है, पर लेकिन हाँ ये है कि इच्छा करती है कि लेट जाओ सबकी, वैसे तो ये हैबिट मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए, पर लेकिन आदत पड़ चुकी है अपनी, गलत आदत भी मैंने आप लोगों को बता दी आज। और फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बस मम्मी बैठी हुई हैं और पापा दुकान पर सामान ले रहे हैं, आप शाम को गार्डन में शायद कुछ करें, पापा बोल रहे थे अभी, क्योंकि जो भी बात होती है पहले ही डिसाइड हो जाती है। और अभ्यांश खेल रहा है, और यहाँ आए थे पापा बीज बोने, जो कि है मूली का, मूली का ही तो है पापा, और इन पेड़ों पे मिर्ची उतर नहीं रही है इसलिए मैंने कहा इन पेड़ों को उखेड़ दीजिए, तो पापा उखेड़ रहे हैं। और फिर इसमें इस क्रिया में बोई मतलब क्यारी में बोया जाएगा,
क्या मूली के बीज। वैसे मैं हमेशा करैया ही बोलती हूँ, वीडियोस में मैं क्यारी बोलती हूँ क्योंकि मम्मी कहती है इनको क्यारी बोलते हैं और हमारे यहाँ करैया बोलते हैं, तो मेरे मुँह से बार बार करैया ही निकलता है। तो ये देखिए, ये वाला पेड़ भी समाप्त, ये वाला पेड़ भी समाप्त। ये पेड़ तब किया जब हमारे यहाँ मिट्टी पड़ी थी, तो जो बाकी के ख़राब हो गए थे केवल यही दो ऊपर आए, तो ये बचे तो बचा दिए। और इसको पापा खो देंगे और उसके बाद इसमें बीज बोने गए थे, तो बाकी भी जो पेड़ की देखभाल करनी होती है, जैसे कि जो बेल नीचे धरती पे ज़्यादा जा रही है उसको चढ़ाना है या जो भी करना है, तो ये सब पापा कर रहे थे। तो पापा को मिले इतने सारे खीरे, मैं उस दिन आप लोगों को वीडियो में दिखा रही थी तो मुझे एक भी दिखाई नहीं, और जब पापा ने देखे दबे छुपे निकल आए होंगे, जब पापा ने देखे तो इतने सारे निकले। देखिए गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, अभी कुछ हो भी नहीं रहा है क्योंकि आज हम आ चुके हैं घर, मतलब अपनी दुकान पे जल्दी, और शाम को बनी थी कड़ी, तो खाना भी ऐसा कुछ नहीं बनना, और ये पर्व आ चुका है। ओए हाँ बोलो, क्या बोलो, कुछ तो बोलो, हमें चाहिए क्या कुछ, अरे कुछ मत बोलो। और मम्मा बैठी हुई हैं और पापा वर्तिका शॉप पे हैं, वर्तिका अपनी कुछ क्राफ्ट कर रही है और पापा शॉप पे मतलब वही सामान दे रहे हैं, और मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं ये केवल अपने कुछ थॉट्स लिखे थे उनको कट कर रही हूँ अपनी डायरी में लगाने के लिए। मैंने कई सारे लिखे हैं और कुछ मैंने कट भी कर लिए हैं, अभी दिखाती हूँ। ये रे जैसे अभी बैक करके दिखाती, रुक जाना, बुलेट बुलेट, हाँ बुलेट बाद में देख ले, कितना बुरा है ये। थॉट्स बनाए मैंने, तो अभी बनाऊंगी ना ये डायरी पे, बस ये अभी काटे हैं मैंने, ये बनाए हैं। अब वो कर रही थी ये वाली क्राफ्ट, देखो मैंने कितनी बड़ी झालर बनाई। और अभी तक मैं वीडियो इसलिए शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे को छाला था और फीवर था, मैं दोनों ही चीजों से स्वस्थ हूँ, तब मैं फिर से वीडियो शूट करूँ। मम्मी पापा कर रहे हैं पर्सनल बात, सुनते हैं क्या। मम्मी पापा कर रहे हैं बात, फिर मैं खेलूंगा, फिर वाइट से मुझे बतवा, बात हो रही है घर में पेंट करवाने की, हमें लगा कौन सी पर्सनल बात हो रही है। और गाइस अब हम आ चुके हैं घर पे, क्योंकि इस वजह से क्योंकि पीछे लाइट नहीं आ रही है क्योंकि ख़राब हो गई है, और घर पे लाइट आ रही है और सब कुछ मतलब ठीक है, तो हम सोच रहे थे घर पे आ जाएं और सो भी लेंगे, और मतलब फ़ोन भी चार्ज होना था क्योंकि फ़ोन डाउन हो चुका है, इस वजह से फ़ोन भी चार्ज होना था, तो इस वजह से हमने सोचा हम घर पे आ जाते हैं। और जब घर पे आए तो सोचा ये थोड़े से कपड़े पड़े थे तो उन्हें भी साफ़ कर लें, और मैं दिखाती हूँ मेरे को एक क्या मिला है। मेरे को मम्मी की बहुत पुरानी साड़ी मिली है जो कि मैं अभी आपको पहन कर दिखाऊँगी, मैं नहीं, मेरे को थोड़ी कम अच्छी लगती है पहनना, पर तो पहन कर दिखाई ये। और देखो मेरी आई 250 साल पुरानी साड़ी, 250 नहीं, मम्मी की जब शादी हुई थी तो ये शायद चढ़ी थी या जो भी, अभी सेफ साफ कर रहे थे तो मिली, बहुत पुरानी साड़ी है, मम्मा इसको पहनती भी नहीं है क्योंकि अब इसका फैशन आउट हो चुका है, अब इसका फैशन मैं चलाऊंगी। ये देखिए वर्तिका ने साड़ी फैला भी ली और पहन रही है, अब पहनो, मैंने तो आती नहीं पहननी, और मम्मा भी घर पे है नहीं, ना पापा है ना पर्व है, पर्व क्या नाम है, सुंदी के घर पे खेल रहा है, और हम दोनों ही है केवल घर पे अभी। और यहाँ बांध रही है वर्तिका साड़ी, और आप लोगों को पता है मैं घर की वीडियोस कम से कम शूट करना चाहती हूँ क्योंकि घर पे इतना अंधेरा लगता है, इतना अंधेरा लगता है, वीडियो कोई से शूट ही नहीं हो पाती है, इस वजह से ज़्यादातर मैं वीडियो ऐसी जगह पे शूट करती हूँ जहाँ पे रोशनी मतलब कुदरती हो, सूरज की जहाँ पर रोशनी होती है वहीं पर वीडियो शूट करती हूँ। और आप लोग देखिए कितना अंधेरा आ रहा है, और रात को और सुबह को तो वीडियो बिल्कुल शूट ही नहीं होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, पीछे ही करती हूँ, जब अपनी दुकान पर आ जाती हूँ तो वीडियो बहुत अच्छी शूट होती है तब। और यहाँ बांध रही है वर्तिका साड़ी अपनी, और बहुत अच्छी बांध लेती है वो, मेरे से तो लाख गुना अच्छी बांधती है। और ये पहनी वर्तिका ने साड़ी, देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, और मतलब फ्री पल्लू में डाला है वर्तिका ने, और मम्मी ने तो जब बांधी होगी तो मम्मी ने वैसे ही करके बांधी होगी जैसे नीचे करके बांधती है, जैसे नीचे प्लेटें बनाकर। और ये है, अच्छी लग रही है, ब्लाउज भी मैच करी है तेरा तो।
नहीं यार, इसका ये जो साड़ी का ये वर्क है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, बॉर्डर है। और रोशनी में दिखाते हैं, यहाँ पे दाग आ रहा है। ये अरे इतनी साल पुरानी है तो होगा क्या। हाँ तो बाहर आके दिखा दे रोशनी में। और ये देखिए रोशनी में कैसी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है लाख गुना, मम्मी से ज़्यादा अच्छी लग रही है। वर्तू बस पीछे का पल्लू थोड़ा ज़्यादा ही लंबा कर दिया वर्तू तूने। देखो सिर पर डाल के देखती हूँ। ओ हो संभल नहीं रही है। आज हम वीडियो शूट करेंगे माछी माछी पे, तो इसलिए अब हम आ चुके हैं। आज हमने वर्तिका को रेडी किया है, अनारकली की लुक के लिए मैं रेडी हुई थी और आज हमने सोचा वर्तिका को रेडी करते हैं। वर्तिका से मैंने पूछ लिया था कौन से सॉन्ग पे तू मतलब करेगी या कैसे, मैंने तो अपना जैसे डिसाइड कर ही लिया था, तो वर्तिका ने माछी माछी सॉन्ग डिसाइड किया है और साड़ी डिसाइड की पहनने के लिए। मैंने कहा गाउन पहनने और ये सब चीज़ें पहनने पर वर्तिका ने कहा मैं माछी माछी पे ये साड़ी पहनूंगी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं साड़ी पहन ले तू। तो अभी हम आए अपनी वीडियो शूट करने, चाहे वो लॉन्ग में पड़ जाएगी चाहे शॉर्ट बनाए इसको पहन के या जो भी करें, फिलहाल अभी वीडियो शूट करने आए हैं, वो देखते हैं अच्छी बनेगी तो देखते हैं कितनी पड़ती हैं। पर लेकिन जब हम लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं तो हम लोग लाइक नहीं करते या कुछ भी व्यू नहीं आते, और जब हम सादा बनाते हैं तो इतने व्यू आते हैं ऐसे 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 ऐसे। देखिए पापा की परी जा रही है कूदने, कूदना यार बिना साड़ी के तो कूद भी लो ऐसे, कूदना कूदना यार। और यहाँ पर धो रही है मम्मा बर्तन, ये है हमारे यहाँ का कुछ मौसम, जो कि अभी बरसात हो रहा है, फ़ोन भी हमारा भीग रहा है, पर लेकिन हाँ बरसात होने से ये काम तो बहुत अच्छा हो गया कि मतलब मौसम बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गया है। अभी तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और अब बहुत ही ज़्यादा मतलब ठीक मौसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चादर ओढ़ लो दिन में भी और बाहर ना तो बहुत ही। और ये मैं पापा से बोल रही थी कि ये वाली अंगूर की बेल नीचे आ रही है तो इसको ऊपर कर दो, और पर लेकिन पापा अभी सो रहे हैं तो पापा ने कहा अभी नहीं करूँगा, तीन चार दिन से कह रही हूँ और फिलहाल आज कहा तो सो रहे हैं पापा, ये चादर ओढ़ के अभी तक मैं सो रही थी क्योंकि मैं कोई काम करूँ या ना करूँ मैं सोना कभी नहीं भूलती। और मतलब बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, मुझे मौसम देख के तो बहुत ही, जब मौसम अच्छा होता है ना, जब मौसम अच्छा होता है तो एकदम मूड सा बन जाता है। और फिलहाल अभी अम्मा की हमारी डेथ हो गई थी, चाची पापा की चाची मतलब छोटी अम्मा की हमारी डेथ हो गई थी इसलिए वीडियो शूट नहीं करी दो दिन। और मतलब क्या कुछ कह रही थी भूल गई, सही नहीं लगता है। हाँ सही नहीं लगता, मम्मा ने कहा सही नहीं लगता है, हाँ सही नहीं लगता है वीडियो शूट करना, और मतलब खाना भी ऐसा कुछ छुक नहीं रहा है और मतलब खाने से तो बिल्कुल मन ही नहीं रहा है कुछ, और ऐसे मौसम में मतलब कुछ ऐसा तला भुना सा खाने में मज़ा भी आता है। और दूसरा उनकी डेथ हो गई थी इसलिए भी फिर ब्लॉगिंग भी शूट नहीं की क्योंकि मेहमान इतने आ जा रहे थे तो फिर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो हाँ अब कल है उनका दिनवार।